नमस्कार, आपकी हेल्थ को लेकर हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। तनाव होना, गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन के साथ ही आत्मविश्वास में कमी होना, इस तरह की बीमारी को मानसिक रोग कहा जाता है। अगर इस तरह के लक्षण आप में भी दिखाई दे रहे हैं और आप काफी समय से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इन सभी बीमारियों के बारे में आपके पास लेकर आए हैं मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की निःशुल्क जानकारी, जिससे आप इन सभी बीमारियों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस खास वीडियो हेल्थ टिप्स के साथ। आजकल लोग तनाव और गुस्से में रहते हैं, साथ ही चिड़चिड़ापन के साथ ही आत्मविश्वास की कमी भी दिखाई देती है, जिसे एक आम भाषा में मानसिक रोग बीमारी कहा जाता है। मानसिक रोग किसी व्यक्ति के महसूस करने, सोचने एवं काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। ये रोग व्यक्ति के मनोयोग, स्वभाव, ध्यान और संयोजन एवं बातचीत करने की क्षमता में समस्या पैदा करता है और व्यक्ति असामान्य व्यवहार का शिकार हो जाता है। उसे दैनिक जीवन के कार्यकलापों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो सुनिए इसका सटीक और आसान उपाय। जी हाँ, हल्द्वानी की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेहा शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है और क्या है इस बीमारी के लक्षण। सुनिए आप भी डॉक्टर नेहा शर्मा को, जिन्होंने अपने सुझाव और इलाज से अब तक कई मरीजों को ठीक किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, मनसा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श क्लिनिक हल्द्वानी से। आज हम यहाँ पर मानसिक रोगों से संबंधित परेशानियाँ या मानसिक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। मानसिक रोग का साधारणतः जो मतलब है वो ये है, जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और अपने वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान मानसिक रोग से ग्रसित है, क्योंकि मानसिक रोग हमारे विचारों पर ही निर्भर करते हैं। जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के इतने अवेयर और एक्टिव रहते हैं, उसी तरह आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारा मन स्वस्थ रहे। बच्चों की अपनी एक समस्या होती है, युवा पीढ़ी की अलग होती है, मध्य वर्ग आयु की अलग होती है और कहीं ना कहीं ओल्ड एज की अलग होती है। तो ये जो परिस्थितियों के संग ये लोग सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे होते, तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जब उसके व्यवहार से देखते हैं तभी पता लगता है कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। तनाव का अत्यधिक होना, तनाव होना, चिंता होना, घबराहट, बेचैनी होना या मूड का स्थिर ना होना, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से अगर कमज़ोर है या बीमार है तो वो अपने आत्मविश्वास में भी कमी पाने लगता है, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी सीढ़ी है जो किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। तो मानसिक रोगी होना या मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना एक ही चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए, मानसिक रोग के जो कारण होते हैं, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की जो ज़िंदगी होती है उसमें व्यक्ति का सामंजस्य ना करना सबसे पहला जो कारण होगा, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण होता है कि हम देखा देखी में जो आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को आगे पीछे देखना, अपने आप पे फोकस ना करना, यानी कि स्थिर ना होना। तीसरा कारण है कि कहीं ना कहीं हम नॉलेज की कमी रखते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह करें, क्या नहीं, जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। मूड का नियंत्रण में ना रहना और आने वाले समय की चिंता करना, यानी कि भविष्य की ज़्यादा चिंता करना, जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एकत्र हो जाएंगी तो हमारे अंदर से जो व्यवहार निकलेगा वो असाधारण होगा, यानी असामान्य होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मानसिक रोग के उपाय के बारे में। डॉक्टर नेहा शर्मा कहती हैं कि अगर इसका सही से इलाज हो तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। सुनिए क्या है मानसिक रोग का सबसे आसान इलाज। मानसिक रोग का समाधान व्यक्ति के ही हाथ में होता है। एक्चुअली मानसिक रोग दो प्रकार से होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल, एक प्योरली मेंटल।
तो साइकोलॉजिकल में व्यक्ति अपने आप से ही चीज़ें क्रिएट कर रहा होता है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा व्यवहारगत समस्याएं इस लेवल तक होती हैं कि हम उसको कंट्रोल कर लें, तो उसमें हम थेरेपी के थ्रू इसका समाधान कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली हमारे कंट्रोल में होता है, थॉट प्रोसेस पे होता है, व्यवहार पे होता है, आदतों पे होता है। तो साइकोलॉजिकली हम विचार को करके एक मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा, जैसे कि काउंसलिंग, टॉक थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी, CBT और हिप्नोटाइज करके, या तरह तरह के टेक्निक से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है मानसिक रोगों में कि व्यक्ति के तुरंत लक्षण ही दिखते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, या इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि वो अनकॉन्शियसली अचेतन मन से बोल रहा है। तो इसमें हमें प्रारंभिक रूप में ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन की, यानी कि दवाइयों की, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति को हमें कंट्रोल करना है। फिर दूसरे लेवल पे हमें ये होता है कि कहीं ना कहीं हम उसे थेरेपी का सपोर्ट दे करके भी व्यक्ति को एक सामान्य लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसमें एक होता है कि आपको जो मानसिक रोग इस लेवल तक चले गया है कि आपको उसमें एडमिट की ही ज़रूरत पड़ती है। मानसिक रोगों में मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल क्लिनिक का बहुत बड़ा रोल है, जो कि व्यक्ति के अंदर एक भय पैदा कर देता है। दरअसल जिस तरह हम एक सामान्य हॉस्पिटल में सामान्य बीमारी को लेके जाते हैं शारीरिक, उसी तरह हम मानसिक अस्पताल या मानसिक क्लिनिक में भी जा सकते हैं, पर जब बात एडमिट की आती है तो कुछ केसेस में हमें, जब व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है कि वो अपने को या दूसरे को नुकसान पहुँचा सके और अनकंट्रोल हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें इस ट्रीटमेंट का सहारा भी लेना पड़ता है। पर मानसिक रोग एक गंभीर बीमारी है नहीं, उसको हम बना रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रोग को लेके खुद ही अवेयर नहीं है। तो सबसे आसान इसका समाधान है कि मानसिक रोग को लेके अवेयर होना, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना। अगर हम ये चीज़ करें तो हम मानसिक रोगों से पीछे छुड़वा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा और जाना कि कैसे हम मानसिक रोग की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर सही डॉक्टर को दिखाकर इलाज करते हैं तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपकी सेहत से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें।